गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इन ईवीएस सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, राइट. ईटिंग इन द फैमिली. बच्चों हमें साथ में सबके साथ मिलके खाना खाना चाहिए, राइट. तो आज हमें वही देखना है. तो क्या क्या हमें खाना है, किस तरह से खाना है एंड क्या खाने से हमें क्या मिलेगा, राइट. आपने देखा होगा छोटे बच्चों के तो दांत नहीं होते, तो वो क्या खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं. हमारी तरह रोटी खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकता ना. फिर हमारी दादी बूढ़ी हो गई है, उनको दांत में तकलीफ हो गए, दादाजी जो है उनके दांत तो है ही नहीं, नकली नकली दांत लगाते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने. तो वो क्या खाना खाएंगे हमें वो पता लगाना है. देखते हैं ये चैप्टर में क्या है. एवरी डे वी स्टडी प्ले एंड डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. हम अलग अलग स्टडी करते हैं कि हमें कैसे कैसे पढ़ाई करना है, किस तरह से नए नए गेम्स करने हैं एंड हम अलग अलग काम भी करते हैं, राइट. वी बिकेम टायर्ड आफ्टर प्लेइंग एंड वर्क. हम काम करके एंड खेल के थक भी जाते हैं. Why do you feel tired? क्यों थक जाते हो? क्योंकि लिए आपको बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है ना. Because we need energy. आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रहा. Food give us energy. खाना हमको एनर्जी देता है. To play and to do other work. खेलने के लिए एंड हमको दूसरे काम करने के लिए. ये बॉक्स के अंदर आपको फूड आइटम्स लिखी हुई है, जो आपको पसंद है आप उसमें टिक कर सकते हैं एंड मुझे जो अच्छा लगता था मैंने वो टिक किया है. आपका और मेरा चॉइस दोनों का अलग हो सकता है, राइट. आगे हम देखेंगे. वी ऑल ईट फूड. हम सब फूड खाते हैं. वी ईट फूड टू लिव. हम जिंदा रहने के लिए फूड खाते हैं, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे ना हम खाना नहीं खाएंगे तो. Different food item have different qualities. अलग अलग food item में अलग अलग qualities होते हैं. First है A. Food give which give us energy is called energy giving food. जो खाने से हमें ताकत मिलती है, एकदम से energy आ जाती है, कुछ काम करने का जोश आ जाता है हमको, तो हम उस खाने को क्या बोलते हैं, energy वाला food. राइट, एनर्जी गिविंग फूड, जैसे कि ब्रेड, आलू, राइस, मीट, मिल्क, है ना. नेक्स्ट आपका है बी. फूड विच नेक्स्ट आपका बी है फूड विच मेक अस स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. बच्चों आपका जो बॉडी का जो मसल बना है वो कौन से खाने की वजह से बना है, वो हमें एनिमल प्रोडक्ट भी मिल सकता है, अदरवाइज हमें प्लांट से भी मिल सकता है, जैसे कि फिश है, मिल्क है, एग्स है, ये सब चीज़ें क्या है, एनिमल्स में से मिलती है. वैसे ही पल्सिप्स है, दाल, अलग अलग वैरायटी दाल होती है, पीनट्स होते हैं, ग्राउंड नट होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बॉडी बिल्डिंग करती है, राइट. नेक्स्ट आपका है सी. फूड विच गिव कीप अस हेल्दी. जो फूड हमें हेल्दी रखते हैं, राइट, इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. मतलब हमें बीमार नहीं करते, तो हम फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, जैसे कि सूप पिएंगे, जूस पिएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, ठीक है. और फ्रूट विच हैव ऑल द अबव क्वालिटी आर कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड फूड. बच्चों बैलेंस्ड फूड क्या होता है, जो सभी क्वांटिटी थोड़े थोड़े हो, मतलब एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड होना चाहिए, प्रोटेक्टिविटी फूड होना चाहिए, वो आपके खाने में सब कुछ इक्वल में हो, उसे हम बैलेंस्ड फूड कहते हैं, ओके. बैलेंस फूड एंड राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. हमें पानी भी पीना चाहिए. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमने पानी कितने पीना चाहिए, 8 ग्लास पानी पीना चाहिए पूरे दिन का, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है. ईट बैलेंस फूड एंड
ड्रिंक एटलीस्ट 11 टू 12 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें टाइम पे खाना खाना है, हमें ठीक से पूरा खाना कंप्लीट करना है एंड उसके साथ में हमें 10 से 12 ग्लास पानी भी पीना है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 52। ये आपका पेज नंबर 52 है। यहाँ पे हमें देखना है हु लाइक्स व्हाट। सबको सब कुछ तो अच्छी चीज़ नहीं लगती है। कुछ लोग क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते हैं तो वो हो जाएंगे आपके वेजिटेरियंस। एंड कुछ लोग जो होते हैं वो फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, वो हो जाएंगे आपके नॉन वेजिटेरियन। ओके, जैसे कि मैं आपको रीड करके बताती हूँ। सम पीपल डू नॉट ईट फिश चिकन और मीट, दे ओनली ईट फ्रूट वेजिटेबल सीड ग्रेन्स, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। वो सब वेजिटेरियंस हैं। पीपल हु ईट फिश चिकन एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अब आ गया आपको समझ में कि जो प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल सीड ग्रेन्स तो वो है हो गए आपके वेजिटेरियन। जो फिश खाते हैं, जो मीट खाते हैं वो हो जाएंगे नॉन वेजिटेरियन। नाउ ए 3 month ओल्ड ड्रिंक बेबी ओल्ड ड्रिंक मिल्क। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड, मिल्क इज़ अ गुड फॉर बोन, इट मेक बेबी ग्रो हेल्दी। अब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 3 month के जो छोटे बेबी होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं। दूध पीने से उनका कंप्लीट फूड हो जाता है, जो जो उनको बॉडी को चाहिए वो सिर्फ दूध में कंप्लीट हो जाता है। मिल्क से बोन मतलब हड्डियाँ भी ताकतवर होती है एंड बेबीज़ को ग्रो करने में हेल्प करता है। बिसाइड मिल्क अ बेबी ऑफ 3 to 4 month कैन ईट मैश बनाना। बनाना को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में मैश करते हैं मतलब एकदम से मिक्स कर देते हैं तो वो बच्चे बनाना खा सकते हैं 3 to 4 month के बेबीज। बॉयल पोटैटो भी खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं मतलब भात होता है भात भी खा सकते हैं, खिचड़ी भी खा सकते हैं। देखो आपके बुक में पिक्चर में मम्मी उसको कटोरी में से लेके खिला रही है। फ्रूट जूस सूप है ना, ये सारी चीज़ें छोटे बच्चे खा सकते हैं। बच्चों को दांत भी नहीं होते तो बच्चे को अच्छे से मैश किया हुआ, नहीं तो फिर दांतों से हमें चबाना पड़ता है, राइट। बेबी कैन नॉट ईट हार्ड फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव टीथ टू च्यू। बच्चों के पास, छोटे बच्चों के पास दांत नहीं होते। अब आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो, आपके पास तो दांत है, आप चबा चबा के खा सकते हो, पर छोटे बच्चों के पास तो दांत नहीं होते तो वो चबा के नहीं खा सकते एंड उसको 6 month तक टीथ्स ही नहीं होते। हार्ड फूड इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। जो कड़क फूड होंगे उनको नहीं चबाया जाएगा तो उनको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, राइट, वो नहीं कर पाएंगे डाइजेस्ट। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु एल्स इन योर फैमिली ईट्स लिक्विड एंड सेमी सॉलिड फूड। हाँ, तो ऐसे आपके फैमिली में और कौन है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि छोटा भाई हो छोटी बहन हो, पर आपके फैमिली में और कौन है तो हमें आंसर लिखना होगा बच्चों इनमें। यस, अवर ओल्ड पेरेंट्स ईट सेमी सॉलिड फूड। जैसे कि अवर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अपने दादाजी दादी नाना नानी क्या वो लोग होते, उनके भी दांत कमज़ोर हो जाए हैं। नेक्स्ट है इन द फैमिली ईच मेंबर लाइक डिफरेंट आइटम। तो आपको आपकी फैमिली के बारे में ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको एज ए होमवर्क दिया है मैंने। मेक अ लिस्ट ऑफ ए फूड आइटम योर फैमिली मेंबर लाइक। आपके फैमिली मेंबर को जो फूड आइटम अच्छा लगता है, जैसे कि पापा को क्या अच्छा लगता है, मम्मी को क्या अच्छा लगता है, भैया को, दीदी को, आपको खुद को, एंड अगर आपके अंकल रहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट रहते हैं उनको अच्छा लगता है तो वो आपको लिखना है, राइट। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 53। 53 में बच्चों आपका है एक
टेबल बनाया हुआ है कि हमारे पास खाना किस तरह से पहुंचता है। हाउ डज फूड रीच आवर टेबल, हमारे टेबल तक खाना कैसे पहुंचता है। तो फर्स्ट नंबर में है आपके, तो फर्स्ट नंबर पे आपका है फर्स्ट फार्मर ग्रो फूड ग्रेन वेजिटेबल एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो फर्स्ट पिक्चर में है एक खेती है, उसमें एक फार्मर ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, वो फ्रूट वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं फील्ड में, फिर वो बड़े हो जाएंगे फिर क्या होगा। फार्मर ही सेल फूड ग्रेन इन द मंडी, मंडी मतलब छोटा सा मार्केट होता है जो गांव में होता है, वहाँ पे वो सेल करेंगे। थर्ड नंबर फ्रॉम मंडी शॉपकीपर बाय फूड ग्रेन्स, वो दुकान वाले जो होंगे वो मंडी में से ले लेंगे फ्रूट ग्रेन, राइट, जैसे कि गेहूं की बोरी भर के ले लेंगे, वीट की बोरी भर के ले लेंगे, है ना, राइस ले लेंगे, दाल ले लेंगे, इसी तरह से शॉपकीपर्स जो होते हैं, दुकानदार जो होते हैं, वो मंडी से लेके आते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा फोर नंबर आवर पेरेंट बाय फ्रूट ग्रेन फ्रॉम द शॉपकीपर एंड वेजिटेबल फ्रॉम द ग्रीन ग्रॉसर, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, शॉपकीपर मतलब दुकानदार से फ्रूट ग्रेन लेते हैं, जैसे कि गेहूँ चावल दाल, राइट, एंड सब्जी फ्रूट्स जो रहेंगे वेजिटेबल्स जो रहेंगे वो हम ग्रीन ग्रॉसर से लेते हैं, राइट। देन फिफ्थ नंबर मदर कुक फूड इन द किचन, मम्मी किचन में खाना बनाती है, ये सब आपको पता ही है, राइट, तो ये सारे सब्जियां लेके फिर घर आके मम्मी खाना बनाती है। देन सिक्स नंबर में वी एन्जॉय द टेस्टी फूड, हम इसी तरह से फूड एन्जॉय करते हैं, तो फार्मर ने कितनी मेहनत की, मम्मी ने भी मेहनत की है, तब जाके हमें अच्छा फूड टेस्टी फूड खाने को मिलता है। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक है, यहाँ ऑप्शन आपको गिवन है ब्रैकेट में, आपको इसमें करेक्ट आंसर लिखना है। फर्स्ट वन वी बिकम डैश आफ्टर प्ले एंड वर्क, हम थक जाते हैं, एंड क्यों थकते हैं, क्योंकि लिए हमने खेल कूद किया, देन हमने काम किया, पढ़ाई वाला काम किया, तो हम थक जाते हैं, तो हमें आंसर इसमें लिखना होगा टायर्ड, राइट। सेकेंड वन फूड गिव अस डैश टू प्ले एंड टू डू अदर वर्क, हमें क्या देता है, खाना हमें एनर्जी देता है, एनर्जी से हमें क्या मिल जाता है, प्ले करना मतलब खेलने के लिए ताकत मिल जाती है, एंड होमवर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है उसके लिए भी हमें ताकत मिल जाती है, ओके। नाउ थर्ड वन वी शुड ईट डैश फूड टू रिमेन हेल्दी, हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे, तो हमें बैलेंस फूड खाना है, सब चीज़ हमें बराबर अमाउंट में खाना है, चाहे वो एनर्जी गिविंग फूड हो, बॉडी बिल्डिंग फूड हो, प्रोटेक्टिव फूड हो, ये सब हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए। फोर्थ वन वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, तो आंसर हमें वाटर लिखना है, हमें पानी 10 से 12 ग्लास रोज पीना चाहिए। फिफ्थ वन पीपल हु ईट फ्रूट वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रेन आर ऑल वेजिटेरियन, जो मीट नहीं खाते बच्चों, ठीक है, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट ग्रेन खाते हैं, वो कौन होते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं। डैश ग्रो फूड ग्रेन इन द फील्ड, कौन खेती में फ्रूट उगाता है, वेजिटेबल्स करता है, वो फार्मर है। नेक्स्ट आपका पेज है पेज नंबर 54 में ट्रू एंड फॉल्स में द फर्स्ट वन द फूड विच गिव अस एनर्जी इज कॉल्ड प्रोटेक्टिविटी फूड, रॉन्ग। सेकेंड बैलेंस फूड एंड राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज गुड फॉर आवर हेल्थ, यस राइट, तो सही चीज खाना है एंड पानी भी साथ में रहना है, तो हमें अच्छा बैलेंस हेल्थ बैलेंस फूड मिलेगा। थर्ड वन पीपल हु ईट फिश चिकन एंड मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, नो,
they are non-vegetarian, they are not vegetarian. A 3-month old baby can eat chapati? Answer is no, वो चपाती नहीं खा सकता because उसके दांत नहीं होते. 5th one, our parents buy fruit, grain and vegetable from the farmer? No, green grocer से लेते हैं ना and shopkeeper से लेते, तो answer is wrong. Next आपका question number 3 is answer the following question. 4 questions are there. Why do we feel tired? Answer, we feel tired because we play and work. 2nd one, why do we need food? Because we need energy. 3rd one, name any 2 energy giving food. Rice, milk. 4th one, name any 2 protectivity food. Answer, fresh fruit and vegetables like tomato, apple, banana, carrot. These are the answers. Now, 1 homework. This is your activity. Collect picture of some food item from old magazine or newspaper. Classify them as the food for plants and animals. Paste them in your notebook. Right? तो आपको newspaper या old magazine से pictures मिल जाएंगे. जो plants से मिलते हैं वो picture आपको अलग stick करना होगा and जो animals से बनते हैं वो अलग आपको stick करना है. So this is your homework and we will complete our chapter here and we will meet in our new next chapter. Till then, bye.